रामपुर से पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए गुरुवार को रामपुर से अमरनाथ यात्रियों के जाने की शुरुआत हो गई है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व तक चलेगी। वहीं रामपुर की तहसील टांडा से पहले जत्ता में 14 श्रद्धांजलु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गाड़ी से रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धांजलु के स्वागत के लिए क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। श्री भोले भंडारी सेवा मंडल शाखा टांडा के तत्वावधान में आज गुरुवार को अमरनाथ जाने वाले एक दर्जन से अधिक यात्रियों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। नगर के सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों ने फूल माला पहनाकर यात्रियों को रवाना किया। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय विधायक शफीक अहमद अंसारी एवं नगर के सभी सामाजिक लोगों ने अमरनाथ यात्रियों को नगर के प्राचीन मणि मंदिर पर एकत्रित होकर फूल माला पहनाकर तथा नगर के दलियाल मार्ग से ढोल नगाड़ों की धुन पर नगर में शोभा यात्रा निकाली व जगह जगह शीतल जल पिलाकर सभी 14 अमरनाथ यात्रियों को हनुमान मंदिर ग्राम बादली तक पैदल यात्रा निकाली गई, जहां विधायक शफीक अहमद अंसारी व भारी पुलिस बल के साथ उन्हें शुभकामनाओं के साथ 10 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना किया। वहीं श्रद्धांजलु त्रिशूल और भगवान शिव की प्रतिमा लेकर यात्रा के लिए रवाना हुए। क्या नाम लिया आपको? जी मेरा नाम है सुनील कुमार वर्मा। आज अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था रवाना हुआ, जी यात्री हैं और किस तरीके से यात्रा है? 15 लोग जा रहे हैं, पहला जत्था जा रहा है यहाँ से टांडा से, उसके बाद और भी 3-4 जत्थे हैं जो अलग अलग डेटों में जाएंगे। ये प्रथम जत्था है जो अभी टांडा से निकलेगा और परसों सुबह तक बालटाल पहुंचेगा। तो किस तरीके की यात्रा रहती है और हर वर्ष बड़ी संख्या में जो यहाँ के यात्री हैं वो है? यात्रा हमारी जो अमरनाथ जी की चलती है वो 2 महीने की यात्रा होती है और ये इस बार 29 जून से और 19 अगस्त तक जो यात्रा चलेगी, जिसमें बड़े बड़े भंडारे जो लगते हैं, अपना मुरादाबाद का भी भंडारा है श्री भोले भंडारी सेवा मंडल, वो यात्रियों की सेवा के लिए हर साल रेल पत्री पर और बालटाल में 2 जगह लगता है अपना भंडारा, तो उस पर जो है सेवा के लिए यहाँ से लोग जाते हैं और दर्शन भी करते हैं और भोलों की सेवा भी करते हैं। विधायक जी द्वारा यहाँ सभी यात्रियों को शुभकामनाओं सहित रवाना किया गया है, तो किस तरीके का शुभकामना संदेश विधायक जी का? भाई विधायक जी का शुभकामना संदेश हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा, उन्होंने आकर सारे भक्तों को रवाना करा और ये बहुत अच्छा संदेश एक दिया है विधायक जी ने, हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है जो संदेश दिया है विधायक जी ने। क्या नाम? अनिल कुमार सैनी। अनिल जी, इस बार आप अमरनाथ यात्री बनकर जा रहे हैं, तो कैसी शुभकामनाएं रही हैं क्षेत्र से और किस तरीके का जत्था यहाँ से रवाना हो? जी मेरा तो फर्स्ट चांस है, ये भोले बाबा ने मुझे बुलाया है, उनके दर्शनों को जा रहा हूँ, प्रभु से कृपा आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरा सब कुछ सही रहे तो आगे भी जाऊँ मैं। कितने यात्री हैं? कितने दिन की यात्रा? 10 दिन की यात्रा है सर और करीब 14 यात्री हैं, सभी लोग, सभी का पहला चांस है जाने का। इस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ से जत्थे हर साल जाते हैं, तो ये कितना क्यामा जत्था है और उससे आगे भी कितने जत्थे जाने वाले? ये तो सब दर्जनों के हिसाब से जाएंगे जत्थे, अभी ये तो पहला ही जत्था है। तो किस तरीके की मनोकामनाएं भोले बाबा से रहने वाली है? भोले बाबा से यही मनोकामना है कि सब कुछ हमारा जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और आशीर्वाद चाहेंगे उनका सब। क्या नाम? गौरव शर्मा। शर्मा जी, इस बार अमरनाथ यात्रियों का एक जत्था रवाना हुआ है हर वर्ष की तरह, तो किस तरीके से आज यात्री रवाना हुए हैं और कितने दिन की यात्रा रहेगी? ये हमारे टांडा से पहला जत्था रवाना हो रहा है जिसमें करीब 15 हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं और यहाँ से पहुँचेंगे, परसों तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद लगातार रास्ते में इन सबकी कुशल में और अच्छी यात्रा हो उसके लिए हम सब कामना भी करते हैं और जगह जगह पर जैसे हमारी मुरादाबाद में भोला भंडारी सेवा समिति है उससे भंडारे का आयोजन भी किया गया है और सभी को बहुत अच्छे से वहाँ सुविधाजनक इनकी यात्रा कराई जाएगी। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर साल सवाल खड़े होते हैं, इस बार भी कुछ ऐसी घटनाएं देखी जाएंगी कि सुरक्षा पे लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, तो इसमें क्या लगता है कि सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार हमारी पूरी तरह कटिबद्ध है और पूरी तरह इनकी सुरक्षा में तत्पर भी है। अगर कोई चूक इस तरह की होगी, पहली बात भोले भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है और सरकार हमेशा भोले भगवान पर विश्वास करती है, कोई ऐसी घटना नहीं होगी, पूरी तरह सुरक्षित हमारे श्रद्धालु रहेंगे। कितने दिन की यात्रा रहने वाली है?
लगभग 2 महीने की यात्रा ही रहती है।